भैया बहनों ध्यान देंगे, आज हम लोग इतिहास में जो अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इस पाठ को भैया बहनों हम लोग आधा पढ़े थे, कुछ हिस्सा इसका बाकी रह गया था जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, थोड़ा सा एक बार हम पीछे की ओर लौट करके और इस पाठ पर चर्चा करेंगे कि क्या बताती है हमें किताबें, किताबों के द्वारा हम लोग क्या सीखे, किन किन चीजों के बारे में किताबें हमें ज्ञान कराती हैं। तो किताबें हमें अतीत के बारे में मनुष्यों के, मानवों के व्यवसाय, उनके वेशभूषा, उनके रहन सहन, उनके मृदभाण, उनके कृति कलाएं, उनके खान पान और उनके जीवन शैली और उनके लेख, उनके अभिलेख और उनके द्वारा कैसे, किन तथ्यों पर कैसे लिखा गया, इसका एक आकलन, ये चीज हम लोग किताबों के द्वारा अध्ययन करते हैं। हम ये भी अध्ययन करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें किस प्रकार के श्लोक कैसे लिखे गए और किस प्रकार से उनका हम अध्ययन करते हैं, उनसे क्या लाभ प्राप्त होता है और ये अतीत में कैसे लिखे गए होंगे और इस समय क्या क्या परिष्कृत इसमें किए गए, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इस प्रकार से हम दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक अर्थात जो वेद हैं, हमारे ऋचाएं हैं, पुराण हैं, और इसके बाद इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ये ऋग्वेद के माध्यम से कैसे शोध प्राप्त करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ये ऋषि विश्वामित्र और विश्वामित्र नदियां किस प्रकार से, नदियों के किनारे ये जीवन शैली का विकास हुआ और किस प्रकार के लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ऐतिहासिक शब्द कैसे जोड़े, किस प्रकार के लोग घोड़े पर और रथ के द्वारा लड़ाइयां लड़ते थे और उनसे युद्धों में किस प्रकार से विजय प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ अपने विचारों को प्रदान करते थे। इस तरह से तरह तरह के हम बातों की ओर ध्यान देते हैं और वेदों के माध्यम से किन किन चीजों का और नए रूप से अध्ययन करते हैं, इसका हमने अवलोकन किया। खामोश प्रहरी कहानी महापसाड़ो, पूरा पसाण काल में किस प्रकार से लोग अपने पुराणों के प्रति लगाव रखते थे, कैसे कैसे वृक्षों और पृथ्वी और नदियां इनका पूजा करते थे। इस तरह से क्या पहाड़ के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, कैसे कैसे हड़प्पा के लोगों ने लोहे का उपयोग किया और किस प्रकार से महापाषाणों के निर्माण में उसका उपयोग हुआ, इसको हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, यानी अतीत के कालखंड में लोग कैसे, उनका सामाजिक असमानता क्या थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र पर हम ध्यान देंगे, ब्रह्मगिरी को साथ हम यह देखते हैं कि वहां के सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए और यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे।
अनुयायी का मतलब यह है भैया बहनों कि बड़े लोगों के द्वारा नकल करके उनके रास्ते पर चल करके और उनके धर्म के बारे में हम अपने जीवन में लागू करना, पालन करना, ये ऐसे लोग अनुयायी कहलाए। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो आजकल भी हम देखते हैं कि मुसलमानों में कुछ अमीर टाइप के लोग जो होते हैं, जो खास होते हैं, उनके कब्रगाह वास्तव में एक अच्छे पत्थर नुमा, एक अच्छे सुंदर तरीके से बना दिए जाते हैं। ऐसा मुसलमानों में आम रूप में नहीं होता। इस प्रकार से चट्टान जिन्हें हम खोद करके और वहाँ हम कब्रों को बनाते हुए देखे हैं, एक गोलाकार लगाए गए पत्थर चट्टान जिन्हें चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाए या दोबारा सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। हम मानचित्रों के द्वारा यह देखते हैं कि कैसे कब्रों का एक विशेष रूप लेकर के और जिस जगह पर उसको वे लोग रखते हैं उसका किस प्रकार से अपने जीवन में उसको उतारते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं, यह भी हम दिखा। बयास इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, जहां वयस्क लोग लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। इस प्रकार से विभिन्न कालखंडों में शवों के साथ कैसे बर्ताव करना, कैसे उनका अंतिम संस्कार करना, ये कब्रों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि अतीत काल में कैसे ये सब चीजें संपन्न हुआ करता था और आजकल उसमें क्या बदलाव आया है। तो इस प्रकार से भैया बहनों हम लोग इस पाठ में एक अजीब तरीके से लोगों के उस कालखंड का वर्णन हम पढ़े। और जैसे इनाम गांव के लोग के काम धंधे, अब ये गांव जिसका नाम इनाम गांव है उनके काम धंधे क्या थे? तो वे लोग भैंस, बकरी, कुत्ते, घोड़े, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा इत्यादि ये मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, इस सब प्रकार के जानवरों को पालते थे और वे उनका मांस भी खाया करते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र भी करते थे और इसका वे लोग उपभोग करते थे। ऐसे वृक्षों को वे लोग पूजा भी करते थे। इस प्रकार से यह पाठ हम लोग यहाँ अध्ययन किए और अतीत में कैसे हम वेदों का, पुराणों का, महापाषाणों का और पूरा पाषाण कालों का एक क्रमबद्ध अध्ययन किए और उनसे प्राप्त होने वाले विचारों, शिक्षाओं और जो ज्ञान है उसको हम लोगों ने अर्जित किया। इस प्रकार से अब इस पाठ को संपन्न होने के बाद भैया बहनों पाठ के अंत का जो प्रश्नोत्तर है और एक नोट्स के माध्यम से हम पीडीएफ के द्वारा भेजेंगे, उसको आप लोग ठीक से लिखेंगे। और ऐसे तो तीसरा और चौथा ये अध्याय आपकी PA1 में नहीं आ रहा है। पहला और दूसरा ये अध्याय आपके PA1 में आएगा। इन अध्यायों को आप ठीक से पढ़ेंगे और इनके प्रश्नोत्तरों को ठीक से याद करेंगे। जैसा कि कुछ प्रश्न जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, अर्थात छोटे उनका उत्तर है, जो एक प्रश्न को भी काट करके और उसको छोटे बनाया गया है, इस स्तर से क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसका अध्ययन करेंगे।
और V1 में इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के पहले आप अपनी कॉपी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम और फिर परीक्षा ये लिखेंगे पहले पेज पर। और जितने पेज आपका दो पेज तीन पेज जितने पेज होगा उस पर आप लोग अपना नाम अवश्य लिखेंगे और व्हाट्सएप नंबर भी लिख देंगे, ताकि अनेक भैया बहनों के जो कॉपियां आएंगी तो उसमें हम लोग के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर वो गड़बड़ ना हो जाए और इसको हम लोग ढूंढते रह जाए कि कौन किसका कॉपी है, कैसे अंक दिया जाएगा। ये सारे आकलन आपके आधार पर होगा जब आप अपने नाम को ठीक लिखेंगे और व्हाट्सएप नंबर को ठीक से लिखेंगे, जिसके द्वारा कॉपी चेक करके और आपको उसी PDF को भेज दिया जाएगा, उसमें आपका अंक भी रहेगा। इस प्रकार से आज ये पाठ संपन्न हुआ। आप सभी को धन्यवाद।